चांद का दक्षिणी ध्रुव है बेहद ही रहस्यमय। गहरे गड्ढों में छिपी हुई है बेहद रहस्यमय चीजें। नासा भी नहीं कर पाया खुलासा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की भारत के बाद अब दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों में होड़ सी मच गई है। हर कोई चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना चाहता है। आज सुबह ही खबर आई कि आज यानी 11 अगस्त के सुबह 4:40 के पास रूस ने लूना 25 लैंडर मिशन को लॉन्च कर दिया। भारत से पहले रूस दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया वहां भाग रही है। यूं तो चंद्रमा हमेशा ही वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, अंतरिक्ष प्रेमियों और आम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा है, मगर इसका दक्षिणी ध्रुव वो जगह है जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से रहस्य रहा है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से विशेष रुचि का विषय रहा है। ये वो जगह है जहां पर कुछ हिस्सों में एकदम अंधेरा है तो कुछ जगहों पर छाया रहती है। स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में बर्फ जमा होने की बातें कही गई। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे कई गड्ढे हैं जो अपने आप में खास हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उनके अंदरूनी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा का दावा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर तो अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। इन गड्ढों वाली जगह का तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसी वजह से ये क्रेटर बहुत ठंडे हैं। नासा की माने तो यहाँ पर हाइड्रोजन, बर्फ और बाकी वाष्पशील पदार्थों का ऐसा जीवाश्म रिकॉर्ड है जो सौर मंडल के शुरू होने से जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा ठंड है और यहाँ के तापमान की वजह से चांद के इस हिस्से में बहुत सालों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। नासा का कहना है कि ये वह जगह है जो बता सकती है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नीचे पूरे सौर मंडल में अब तक बने सबसे बड़े प्रभाव वाले गड्ढे हैं। इन गड्ढों के नीचे कोई विशाल चीज छिपी हुई है। वैज्ञानिकों को पता नहीं कि ये क्या हो सकता है, मगर उनका मानना है कि निश्चित रूप से इतना बड़ा है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित कर सकता है। अभी तक नासा भी इसकी पहेली को सुलझा नहीं पाया है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आते रहेंगे, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जल्द मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।